हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वेबसाइट में बहुत सारे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, कौन सा चीजें पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब भी आपका वेबसाइट में ट्रैफिक आ सकता है। तो वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, तभी मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पे मैं जितने भी सारे ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपको इसको अगर ध्यान में रखते हो तो आपको 3-4 महीने के बाद आपके वेबसाइट में अच्छा खासा व्यूज आएंगे, विजिटर बढ़ेंगे, सारे के सारे चीजें होगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए तो सही, अगर आपको लगता है कि भाई मैं सेम चीजें बताने वाला हूं, हां अगर मैं सेम चीजें बताने वाला हूं ना, उसमें कुछ ऐसा टिप्स मैं देने वाला हूं कि भाई सच बताता हूं आपके वेबसाइट में ट्रैफिक जरूर आएगा और कुछ चेंजेस तो होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो ब्लॉग है, आप जो डिजाइन की हो अपने ब्लॉग को, सबसे पहले उसको अच्छे से डिजाइन करना है, ऑप्टिमाइज अच्छे से करना है और उसमें जितने भी सारे नेविगेशन बार हो गया, जितने भी सारे मेनू बार हो गया, सब मेनू हो गया, सारे के सारे अच्छे से रखना है, जैसे कि सारे जो भी विजिटर आपके वेबसाइट में आएंगे तब भी उनको देखने में इतना अच्छा लगेगा और इतना यूजर फ्रेंडली आपको रखना है, तभी जो भी उसको मतलब चाहिए वो कैटेगरी के हिसाब से आप रख दीजिए, जब भी वो एक एक करके सारे के सारे पेज व्यूज कर पाए। और सारे के सारे सपोज आप ब्लॉगर के बारे में लिखते हो, यूट्यूब के बारे में लिखते हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में लिखते हो, तो भाई सबको कैटेगराइज करके रख लीजिए, तभी जब भी कोई विजिटर आता है अपना वेबसाइट के आपका वेबसाइट में, उसको आसानी हो जाए कि वो सारे के सारे पोस्ट को अच्छे तरह से पढ़ पाए। और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि भाई आपको इस दिल मतलब मन में यही आता है कि भाई ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आपका पेज व्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हो, अगर आप कैटेगराइज वाइज रखते होता ना, पेज व्यू आपका ज्यादा हो सकता है। सपोज अगर आप ब्लॉगर को कैटेगराइज करके, ब्लॉगर कैटेगरी का जो वीडियो है गाइड आप दे रहे हो, तो अगर आप उसको कैटेगरी के हिसाब से रखते हो तो भाई एक बंदा आता है तो पूरा क्लिक करता है और पूरे का पूरा लेवल के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर में वो सारे के सारे पोस्ट जो है उसको मिल जाता है और वहीं से वो पढ़ना शुरू करता है और एक एक करके पढ़ लेगा। लेकिन वहां पे अगर आप अगर कैटेगराइज नहीं किया तो वो तो सर्च करने में उससे दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर कैटेगराइज करके अपना पोस्ट को लिखना है और अच्छे तरह से लिखना है। भाई आपको जो आर्टिकल लिखना है यहाँ पे लॉन्ग मतलब बड़ा बड़ा मतलब लॉन्ग लॉन्ग करके अपना आर्टिकल को लिखना है और उसको अच्छे से एलेबोरेट करना है, और जो आपको जो लिखना है, जो लिखने का तरीका है, मतलब बहुत सिंपल सिंपल वर्ड में लिखना है, तब भी जो भी आपका कोई आता है तो पढ़ने के लिए, बहुत सब लोग तो इंटेलिजेंट नहीं होते ना, कुछ कुछ लोगों को भाई अंग्रेजी तो आता है लेकिन ज्यादा हार्ड वर्ड अगर उसमें देते हो भाई ज्यादा मतलब वो लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ते नहीं है। तो इसलिए आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, जैसे कि सारे के सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे करने से जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट में आएंगे तो वो अपने आपका वेबसाइट को याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई आप अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हो और आपका लिखने का स्टाइल भी अच्छा है और आप सिंपल सिंपल वर्ड में भी समझाते हो, तो उन लोगों को अच्छा लगेगा, वो आपका वेबसाइट को याद भी रख लेंगे और रेगुलरली पढ़ने लगेंगे। और एक चीज बताने वाला हूँ कि भाई ये तो था आपका वेबसाइट को कैसे लिखना है, कैसे डिजाइन करना है, कैसे आपको कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे और मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको कहाँ से बैकलिंक लेना है, आपका DAPA इंक्रीज करना है। भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई आप अगर अपना वेबसाइट बने हो तो, अगर आपका वेबसाइट नया नया आप बने हो तो क्या करना है, आपको अपना वेबसाइट के अंदर में मतलब बैकलिंक्स लेना है, और बैकलिंक्स मतलब कहीं के जाके आप जाके डू फॉलो बैकलिंक्स भी ले सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग मतलब अगर एक बड़ा वेबसाइट है, बहुत बड़ा वेबसाइट है, आप अपना वो अगर गेस्ट पोस्टिंग के लिए उनका है तो आप जाके क्या कर सकते हो, अपना पोस्ट लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो मेल के थ्रू या कुछ भी करके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर वो पब्लिश करते हैं तो आप उससे अपना वहीं से आप अपना वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो, वहां पर क्या आप एक डू फॉलो बैकलिंक उनसे ले सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप बैकलिंक्स ले सकते हो और धीरे धीरे करके आपको ट्रैफिक आने लगेगा। और जो बातें मैं बोलने वाला हूं कि अगर आप फास्ट पेज में अपना वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो तो भाई आपको बैकलिंक्स तो चाहिए, अपना वेबसाइट का DAPA यानी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छा होना चाहिए, तभी तो रैंक करने में थोड़ा मदद होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि DAPA को भी इंक्रीज करना है आपको। और एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जहां पे मैं बताऊंगा कि भाई आप अपना DAPA को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। अगर वीडियो को यही सारे चीजें मैं बताऊंगा वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पे रख देता हूं इस टॉपिक को। तो चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको SEO
फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है। सपोज आपको कुछ आर्टिकल आप लिख रहे हो तो वहां पे आपका जो मेन टारगेटेड कीवर्ड है उसके उसको अपना टाइटल में रखना है, और उसके बाद उसको अपना हेडिंग में रखना है, और कंटेंट के अंदर में दो बार रखना है, एक तो कंटेंट के अंदर में एक बार रखना है, और एक कंक्लूजन जब भी लिखते हो ना उसके नीचे में जो कंक्लूजन लिखते हैं वहां पे उसको ऐड कर देना है सिंपल। और वहां पे आप अल्टरनेटिव कीवर्ड भी डाल सकते हो, सिमिलर कीवर्ड आपको फाइंड करना है और उस पोस्ट के अंदर लिखना है, उसे ऑप्टिमाइज करके लिखना है, और आपको परमालिंक भी देना है उस हिसाब से, उस कीवर्ड के हिसाब से आपको परमालिंक कस्टम परमालिंक देना है। अगर यहाँ आपको नहीं पता है परमालिंक क्या होता है भाई, मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, तो फिलहाल यहाँ पे वो चीजें नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें करना है और डिस्क्रिप्शन कैसे अच्छे से लिखना है भाई, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आपको इंटरनल लिंकिंग करना चाहिए। अगर आप कुछ पोस्ट लिखते हो तो कोई आर्टिकल आप लिखते हो तो अपना जो दूसरे कैटेगरी दूसरा आर्टिकल है उस सारे के सारे यू में लाइक टू रीड करके लिख दो, उसके नीचे सारे के सारे जो आपका दूसरे पेज के कुछ आर्टिकल का जो लिंक है उसे लिख के दे सकते हो, और वहां से भी आपको थोड़ा बड़ा व्यूज भी आने लगेगा और आपको वो पढ़ने लगेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना आर्टिकल लिख रहे हो, सपोज मान के चलिए आप लिख रहे हो कि भाई मोज रैंकिंग के ऊपर, ठीक है, तो अगर ये तो बहुत बड़ा वेबसाइट हो गया, जैसे कि अगर आप कुछ अगर सपोज आप लिख रहे हो कि भाई वायरस के बारे में लिख रहे हो, सो व्हाट इज वायरस, तो अगर आप विकिपीडिया के नाम भी देते हो भाई, सपोज विकिपीडिया से ये उठाया हूँ, ये सोर्स है, यहाँ से मैंने ये किया हूँ, अगर आप उसका लिंक देते हो तो ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि भाई चलो बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है, उसके साथ साथ पोस्ट को ऐसे लिखा है और उसको आसान करने के लिए भाई लिंक भी एक्सटर्नल लिंक भी दिया है, तो उन लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना भाई, विकिपीडिया से तो आपको बैकलिंक वो नहीं देने वाले, लेकिन कोई और वेबसाइट का आप अगर लिंक देते हो तो वहां पे क्या होता है ना, वो ऐसे भी वो आपको भी बैकलिंक दे देते हैं कभी कभी, अगर वो आप उनको बैकलिंक दे रहे हो तो वो भी कभी कभी दे देते हैं आप लोगों को बैकलिंक्स, ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हो भी, जाके कहीं बड़े बड़े वेबसाइट में जाना है जिसका DFPA बहुत ज्यादा हो, वहां पे जाके आप कमेंट करके अपना मतलब आप ले सकते हो, जैसे कि बहुत बड़ा वेबसाइट हो गया नील पटेल वेबसाइट हो गया उनका वेबसाइट हो गया सॉरी नील पटेल सर का वेबसाइट हो गया उनका जो बहुत बड़ा वेबसाइट है, और जैसे कि साउथ में लाउड वेबसाइट हो गया बहुत बड़ा वेबसाइट है, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, और वहां पे करोगे तो भाई थोड़ा आपको लोग जानने लगेंगे वैसे, तो आप जाके कमेंट कर सकते हो वहां पे भी, कहीं कोई भी वेबसाइट अगर आपको डू फॉलो बैकलिंक दे रहा है तो आप जाके ले सकते हो ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू, ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा डू फॉलो बैकलिंक लेना चाहते हो, ऐसा भी नहीं कीजिए, कभी कभी डू फॉलो लिंक बैकलिंक लीजिए, कभी नो फॉलो बैकलिंक लीजिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो वेबसाइट मतलब इलीगल पोस्ट करते हैं जैसे कि पोर्नोग्राफी हो गया और ड्रग्स वगैरह हो गया, वहीं पे जाके आपको कोई भी कमेंट नहीं करना है कि वहीं से बैकलिंक नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे करने से आपका स्पैम स्कोर बढ़ता है और आपका वेबसाइट का रैंकिंग भी धीरे धीरे गिरने लगता है। और एक चीज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप्स देने वाला हूँ कि जैसे कि आप एक ब्लॉगर होता है ना, वो क्या करते हैं, वो पहले क्या करते हैं ना, अपना खुद का आर्टिकल तो पब्लिश करते हैं, और जब भी जैसे ही उन लोगों को एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तभी वो क्या करने लगते हैं कि भाई दूसरे के आर्टिकल को जाके कॉपी करते हैं और उनका कंटेंट को कॉपी करके खुद के वेबसाइट में पब्लिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यू लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, उनका भाई उनका रैंकिंग खराब हो जाता है, उनको नहीं पता है। और भी और एक चीज यहाँ पे हो सकता है भाई, अगर आप किसी का कंटेंट को कॉपी कर रहे हो तो वो आपके ऊपर DCA में कंप्लेंट भी आ सकता है, ऐसे करने से आपका वेबसाइट का रैंकिंग खराब हो जाएगा, आपको व्यूज और विजिटर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, आपका पेज धीरे धीरे नीचे नीचे आने लगेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जैसे कि आपका वेबसाइट का रैंकिंग खराब हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, अगर भाई आप बैकलिंक तो ले लिए, आप गेस्ट पोस्टिंग भी कर लिए, और यहाँ पे जो मेन चीजें हैं सोशल शेयर बटन वाला लिंक आपको सोशल शेयरिंग लिंक जो बटन है उसको आपको ऐड करना है, आपको पेज के ऊपर में और बॉटम में भी आपको ऐड करना है। तो वैसे कि क्या क्या आपको चीज ऐड करना है, जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, और ट्विटर हो गया, और ऐसे ही सारे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो व्हाट्सअप का भाई लिंक तो आपको रखना ही है। आप ऐसा थीम चूज कीजिए जहाँ पे आपको मतलब व्हाट्सअप का फीचर्स हो, जहाँ के बटन हो जो कि आप जाके शेयर कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप चाहते हो कि भाई मैनुअली ऐड करने के लिए, तो मेरे को भी पता है, मैं आप लोगों को
इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे चल के वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको व्हाट्सएप का एक पर्सनल शेयर बटन कैसे लगाना है अपना वेबसाइट में, तो आप लगा के बहुत सारे मतलब ढेर सारे आपको यहाँ पे भी ट्रैफिक आने वाला है। तो और एक चीज यहाँ पे मैं और एक चीज बोलने वाला हूँ कि भाई कोरा से भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। भाई कोरा क्या होता है पता है, बहुत बड़ा वेबसाइट है जहाँ पे कुछ सवाल पूछते हैं लोग और वहाँ पे आपको आंसर देना है। तो कैसे देना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आप किसी आर्टिकल लिख रहे हो तो उसको सर्च कीजिए गूगल से और कोरा लिख के लास्ट को सर्च कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वहां पे जाके आप आंसर दे सकते हो। और आप अपने आर्टिकल के हिसाब से एक छोटा सा हेडिंग मतलब जैसे कि पैराग्राफ छोटा सा शॉर्ट में लिखिए और लिख दीजिए कि टू नो मोर गो टू दिस वेबसाइट करके आपका खुद का वेबसाइट का लिंक दे दीजिए। वहां से आपको एक बैकलिंक्स मिल जाएगा और ये आपको व्यूज तो देने वाला है, हर महीने देने वाला है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। और आपका खुद का एक ट्विटर में आप शेयर कीजिए, आपका जितना भी सारा पोस्ट पुराना होता जाएगा उसको रीशेयर करने लग जाइए, तभी आपको व्यूज तो आने लगेगा। और एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है और फेसबुक में ऐसा बहुत सारे ग्रुप्स है जहाँ पे आप जाके अपना खुद का वेबसाइट का लिंक यूआरएल सेंड कर सकते हो और वहां से भी आपको ट्रैफिक आने वाला है। तो ये सारे के सारे चीजें तो आपको करना है। तो अगर आप अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हो, अच्छा खासा व्यूज लेना चाहते हो, भाई आपको तो पेशेंस की सबसे बड़ी जरूरत है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप ना अपना अर्निंग को चेक करेगा तो आप डिमोटिवेट होने वाले हो। तो आप डिमोटिवेट मत होइए और अपना खुद का काम कीजिए। और एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और पैसे इन्वेस्ट करके आप मतलब व्यूज लाने चाहते हो, ऑडियंस गैदर करना चाहते हो, तो भाई आप पेड प्रमोशन कर सकते हो गूगल एडवर्ड के थ्रू और आपको बहुत सारे ट्रैफिक वहीं से आने वाला है। और वहां पे क्या पता आपको कुछ लॉयल रीडर मिल जाए जो कि आपके ब्लॉग को कंटिन्यूसली रीड करे, तो ऐसा भी मिल सकता है। और एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि आपको सब्सक्रिप्शन के लिए एक तो बॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप जैसे मेरा वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हो www.technicalbisnoji.com, वहां पे आप जा सकते हो, मैंने अपना वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया हुआ आप जाके वो देख सकते हो और इस हिसाब से आप अपना खुद का वेबसाइट को डिजाइन भी कर सकते हो उसको देख के। अगर आप चाहते हो तो उससे बढ़िया आप उसे बढ़िया भी बना सकते हो भाई, कुछ अलग थीम भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं पलकी 2 थीम अभी यूज कर रहा हूं, उसको चेंज भी करने वाला हूं क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट लोडिंग थीम की जरूरत है। भाई फास्ट लोडिंग थीम पे क्या होता है ना, वो रैंकिंग करने में थोड़ा अच्छा हो जाता है कि भाई आप रैंक अच्छा करता है फास्ट लोडिंग थीम, तो मैं कुछ अलग से थीम उसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हो कि भाई अपना ब्लॉग पे अपना यूट्यूब का वीडियो डालने के लिए आप दे सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपना एक इमेजेस लगाते हो अपना वेबसाइट में, सपोज आपने कुछ इमेजेस लगाए, इमेजेस के थ्रू भी आप अपना वेबसाइट को ट्रैफिक ला सकते हो। जैसे कि आप मान के चलिए आप कोई भी टॉपिक पे सपोज एसईओ के ऊपर आपने एक वीडियो एक टॉप आर्टिकल लिखे हो, तो वहां पे अगर आप इमेजेस के थ्रू समझा रहे हो तो उस इमेजेस में क्या कर सकते हो कि भाई आप ऑल्ट टैग की वजह से मतलब आप वहां पे कीवर्ड सेट कर सकते हो। जैसे कि कोई जाके गूगल पे सर्च करेगा अगर वो कीवर्ड रैंक कर रहा है तो वहां पे क्या होता है ना, सर्च रिजल्ट में आपका सपोज कोई सर्च कर रहे हो एसईओ के रिलेटेड कुछ कीवर्ड दिए वो सर्च किए और आपका फोटो वहां पे आ गया, वो उसे व्यूज करने लगे और उसके बाद वो नीचे एक ऑप्शन जाता है कि विजिट वेबसाइट और कुछ ऐसा कुछ आता है, ठीक से याद नहीं आ रहा, वहां पे वो अगर वो क्लिक करते तो डायरेक्टली आप आपके वेबसाइट पे वो आ सकते हैं। ऐसे करके आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही ट्रैफिक मिलता है। मैं देखता हूं भाई मतलब आप हमेशा अपना ट्रैफिक को चेक कीजिए, कौन से सोर्स से कहां से आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, वो सारे के सारे चीजें आपको देखना है और आपको वहां पे एक्सपेरिमेंट करना है। वो सारे के सारे जितने भी सारे ब्लॉगर लोग हैं, क्या वो कभी पहले से ब्लॉगिंग करना सीख के आए थे, खुद यहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद यहां पे सीखते हैं। तो अगर मैं इस देखते हो तो भाई मैं जो भी चीजें करता हूँ, जो भी चीजें मैं एक्सपेरिमेंट की वजह से सीखता हूँ तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करना चाहते हो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके फायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वैसे मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, मेरा थोड़ा मदद हो जाएगी क्योंकि मैं भी आप कर सकते हो मेरे को सब्सक्राइब अगर चाहते हो तो। अब आपको अपने टाइटल को अच्छे तरह से देना है, जैसे कि कोई अगर आपका टाइटल के अंदर में ऐसा कीवर्ड भी डालना है और कुछ ऐसा लिखना है, जैसे कि कोई अगर आपका कीवर्ड के हिसाब से कोई सर्च कर रहा है और सर्च रिजल्ट में आपका वेबसाइट का लिंक आ रहा है तो वहां पे वो टाइटल पढ़ते हैं। सपोज आप ऐसा टाइटल दियो किलर टिप्स टू बूस्ट योर एसईओ, ऐसे देते हो
तो ऐसे क्या होता है ना, किलर टिप्स थोड़ा दिमाग में लगता है यार क्या किलर टिप्स है, चलो इसमें क्लिक कर देते हैं, वैसे क्लिक होता है। तो अगर आप ऐसे मतलब टाइटल देते हो तो वहाँ पे आपको व्यूज आने के चांसेस है, आपको विजिटर आने के चांसेस है, और तभी अगर आप अच्छे आर्टिकल भी लिखते हो वहाँ पे आपका ऑडियंस भी बहुत सारे हो जाएंगे और आपका भाई DAPA तो इंक्रीज होने वाला है, और सारे सारे चीजें होने के बाद आपके मतलब आप ढेर सारे पैसा इनकम कर सकते हो। द लास्ट टिप एंड द प्रो टिप, इसको बोलते हैं भाई प्रो टिप। आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले अपना ब्लॉग में कीवर्ड रिसर्च कीजिए, और बहुत सारे पेड टूल है, RF टूल मतलब एक पेड टूल है, लेकिन आप अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, गूगल कीवर्ड प्लानर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे आपको हाई सर्च वॉल्यूम और हाई CPC और लो कंपटीशन वाला कीवर्ड सर्च करके उसके रिलेटेड मतलब आपको कुछ आर्टिकल लिखना है, जैसे कि आपका वेबसाइट में बहुत सारे ट्रैफिक आ जाए। ठीक है, सपोज आप हाई कंपटीशन पे अगर अपना आर्टिकल लिखना चाहोगे तो भाई वहीं पे बहुत सारे लोग पहले से रैंक करके रखे होंगे, आपका नया वेबसाइट है वो आप कभी भी जाके रैंक नहीं करने वाले हो, और कभी आपका वेबसाइट सर्च रिजल्ट में नहीं आने वाला है, मतलब आने वाला है लेकिन जब आपका वेबसाइट पुराना हो जाएगा, उसका DAPA इंक्रीज हो जाएगा, जब भी सारे का सारी चीजें होगा तभी वो ऊपर आएगा, लेकिन अभी तो नहीं आ सकता ना। अभी का बात करें तो आप लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर रिसर्च कीजिए और आपका खुद का आर्टिकल वहीं पे लिखिए, तभी आपका आपका अर्निंग भी होगा, आपका विजिटर भी आएगा आप, और आपका वेबसाइट का मतलब आप वेबसाइट अच्छे से रैंक भी करेगा, ऐसा करना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक चीज अगर और कुछ चीजें मैंने भूल गए हो बताने के लिए और आप चाहते हो भाई वो चीज भी मैं बताऊं कुछ दूसरे वीडियो में, आप नीचे जाके कमेंट करके बता सकते हो, तभी मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उसके हिसाब से अगर मैं मुझे लगेगा भाई आप सही बोल रहे हो और मैंने उसको नहीं बताया हूं और छोड़ दिया हूं, तो मैं किसी दूसरे के वीडियो में दूसरा वीडियो बना के वहां पे बता दूंगा। तो अभी के लिए बाय।